अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम हैप्पी हैप्पी बिस्किट बनाना डिजर्ट बना रहे हैं। बता दिए 1/4 कप यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर लेंगे और ये है पार्ले हैप्पी हैप्पी बिस्किट कोको चिप्स कुकीज है। मतलब आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो। हम लोगों ने यहाँ पर ये चॉकलेट फ्लेवर, आप हाइड्रन चिप्स भी ले सकते हो। तो ये हम लोगों ने 4 पैकेट लिए हुए हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा मस्का, शुगर एज पर योर टेस्ट जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने जेली का पैकेट लिए है और इसके अंदर जाएगा 500 ml पानी जाएगा। 6 यहाँ पर हम लोगों ने लिए हुए है केले बनाना और यहाँ पर 1 लीटर दूध है। ये देखो सब नीचे बंद है, इसलिए हमने एक दिन पहले केले लाके रखे वो लिए हैं। पूछना नहीं, हम बता रहे आपको। देखो पीसेंगे, हाँ मिक्सर में डाल के, जार में डाल के अच्छे से पीसेंगे, पाउडर बनाएंगे बाद। ये देखो थोड़ी बिस्किट तोड़े, थोड़ी बिस्किट पीसे, इसमें मस्का डाल के अभी पीसेंगे इसको। ये देखो हमने जो सूखा बिस्किट पीसे और मस्के वाला पीसे पूरा मिक्स कर दिए। ये देखो अभी जेली बनाने के लिए 1/2 लीटर पानी रखेंगे। ये जेली का पैकेट है ना, इसके अंदर पूरा डाल देंगे। ये देखो और अंदर घुलने तक अच्छे से पकाएंगे। ये देखो पूरा घुलना मांगता, जेली बनना मांगता जब बताएंगे। ये देखो इसमें ये दाना दाना दिख रहा है ना, ये दाना दिखना नहीं चाहिए, इतना पकाने का इसको, अच्छा घुलने तक पकाने का। देखो 2 मिनट हो गया, अच्छे से घुल गई जेली। अभी हम गैस बंद करेंगे। ये देखो अभी हम बिस्किट की पाउडर पहले बिछाएंगे इसके अंदर अच्छे से। देखो देखो हम बिस्किट की पाउडर डाल के हाथों से दबाएंगे, आप चम्मच से भी दबा सकते हैं। ये देखो हमने पहले बिस्किट लगाए, फिर केले को ऐसा पतला पतला काट के लगा दिए। अभी इसके अंदर जेली डालेंगे छान के। ये देखो वो सेट होने रखेंगे और कस्टर्ड बनाने लेंगे। 1 लीटर दूध में से 1/2 कप हमने दूध निकाल दिए, बाकी का दूध इधर गर्म करने रखे, इसमें शक्कर डालेंगे। अभी ठंडे दूध में ये कस्टर्ड डालेंगे 1/4 कप। अभी इसको मिक्स करेंगे, शक्कर पिघल गई। अभी इसमें ये देखो थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड डालेंगे, जो हिलाए वो मिक्स किए वो। अभी इसमें चम्मच हिलाएंगे, देखो ऐसा गाढ़ा होना चाहिए, देखो गाढ़ा हो रहा है। ये देखो चम्मच चला चला के इसको स्लो गैस पे पकाएंगे। ये देखो उबाल आने तक पकाने का, उबाल आ गया। अभी हम गैस बंद करेंगे और ठंडा होने देंगे। अभी इसके अंदर ये कस्टर्ड जो है उसको डालेंगे, पूरा इसको फुल कर देंगे। हम लोगों ने लिए थे उससे हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। आपको अगर करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, सिंपल ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर दोगे तो भी चलेगा। बस इसको साइड में इस तरीके से हम लगा देंगे। इसको सेट करने के लिए हम लोग अभी फ्रिज में रखेंगे एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स। इसको 4 घंटे आपको फ्रिज में रखना होगा, फिर आपको दिखाएंगे सर्व करके। देखो हमने बिस्किट बनाना डिजर्ट बना, एकदम टेस्टी फर्स्ट क्लास बना है। ऐसा बनाओ, तुम भी बनाओ, फोटो भेजो मेरे को, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, मेरी रोज की नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज अल्लाह हाफिज।